अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी चटपटा चिकन। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीस ले लिए हैं 7 से 8। उनको मैंने सिरके वाले पानी में भिगो के छोड़ दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने अब उनको निकाल लिया। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ले ली है 2 टीस्पून, नमक ले लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून, और टोमेटो केचप मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। अब नींबू का रस मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अब इन सबको अच्छी तरीके से मैं मैरिनेट कर लूँगी। ये देखिए, इन सब की चीज़ें मैरिनेशन कर लूँगी। अब मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। ये देखिए, मैंने सारी चिकन एक एयरटाइट कंटेनर में डाल दी है और 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैदा डालूंगी 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर का ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इनको भी इसके साथ मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। एक कोटिंग बन जाएगी हमारी चिकन के ऊपर। अच्छी तरीके से मैंने इसकी लेयरिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, इसको मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब अपने इसमें चिकन फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। अब 4 से 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखिए, कलर आ चुका है बहुत ही प्यारा सा। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। अब एक साइड से मैंने 3 मिनट इसको पका लिया, दूसरे साइड से भी 3 से 4 मिनट इसको पकाऊंगी। और अब हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। चटपटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।